हेलो एंड वेलकम टू द सोशल क्लासेस बाय अभिषेक सर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आउटकम्स ऑफ आग़ डेमोक्रेसी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इन सारे क्वेश्चन को कंपाइल किया है मिस्टर अभिषेक कुमार पांडे और मिस्टर आशुतोष पांडे जी ने और मैं हूँ अभिषेक कुमार गुप्ता आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पार्ट जो चैप्टर का है वो है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम तो इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब एनी फाइव आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी या हाउ इज़ अ डेमोक्रसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दें कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप और एनी अदर अटरनेटिव गवर्नमेंट या डिस्क्राइब एनी फाइव हेक्टर्स दैट मेक डेमोक्रेसी अ बटर फार्म गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म गवर्मेंट मतलब कुल मिला यह पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है एज कम्पेयर टू अर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स या डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स हैं जो डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं वही इसे एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं तो इसका आंसर क्या हुआ फर्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी प्रोमोट्स इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कि सिटीजन के बीच में इक्वलिटी होती है सेकेंड पॉइंट इट एनहेंसेज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जब यहाँ पे इक्वलिटी होती है फ्रीडम मिलता है इसकी वजह से जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी बढ़ती है थर्ड पॉइंट इट इम्प्रूवज़्ज़ द क्वालिटी ऑफ़ डिसीजन मेकिंग बिकॉज डेमोक्रेसी में कोई एक आदमी डिसीजन अकेले नहीं लेता है इसलिए यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो क्वालिटी डिसीजन होता है हमेशा फोर्थ पॉइंट है इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स अगर किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है डेमोक्रेसी के अंदर चाहे वो किसी भी टाइप से हो चाहे वो दो कम्युनिटी के बीच में हो गवर्नमेंट्स के बीच में हो तो उसे सॉल्व करने का एक मेथड है हमारे पास है न एक सिस्टम है फिफ्थ पॉइंट है इट अलाउज़ रूम टू करेक्ट मिस्टेक अगर आप कोई गलती करते हैं जैसे मान लीजिए गलती से आपने गलत गवर्नमेंट चुन लिया तो आपके पास एक अपने मिस्टेक को करेक्ट करने का एक चांस है कि फिर जब इलेक्शन होगा तो आप अपने गलती को सुधार लीजिएगा सिक्स पॉइंट है डेमोक्रेसी इज़ मोर अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है ये आगे के क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा और सेवंथ पॉइंट है डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी इन अ बेटर मैनर जो सोशल डाइवर्सिटी है अलग अलग रिलीजन है कास्ट हैं लैंग्वेज हैं इन सबको जो है एकोमोडेट करने के लिए इन सबको एक साथ एडजस्ट करने के लिए डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो ये सब रीज़न है कि वाई डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट पार्ट है इसका अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज एन अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या मतलब होता है इसको समझेंगे हम लोग देखिए अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कोई कि कोई भी गवर्नमेंट हमारे प्रति अकाउंटेबल है कि नहीं ठीक है अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री के अंदर कोई कमी है कोई प्रॉब्लम है तो कौन उसके प्रति जवाब देगा कौन अकाउंटेबल होगा गवर्नमेंट होगी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है द वे गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट जिस तरीके से चुनी गई है वो एक लेजिटिमेट प्रोसेस है उसके लिए इलेक्शन हुआ है जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो चुनाव जीतता है जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा टिकट सीट सीट्स मिलती हैं वो गवर्नमेंट बनाती है है ना तो ये एक अकाउंटेबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है है ना तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है पहला इंपॉर्टेंस है इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन है ना गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में होती है इट इज़ अकाउंटेबल टू हूँ इट इज़ अकाउंटेबल टू सिटीजनस ऑफ द कंट्री हु हैव इलेक्टेड द गवर्नमेंट सेकेंड पॉइंट है इट रिस्पॉन्स टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इट इज़ रिस् इट रिस्पॉन्स टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीज़न जो लोग हैं उनकी ज़रूरत उनकी उम्मीदों के प्रति जवाबदेह होती है इट इंश्योर इट इन्श्योर्स दैट डिसीज़न मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ट्रांसपेरेंसी मेकिंग इट अकाउंटेबल जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो डिसीजन ले जाते हैं वो ऐसे ही नहीं ले, ले, ले लिए जाते हैं कि सपने आए थे तो हम डिसीजन ले लिए नहीं यहाँ पर हर डिसीजन लेने के पीछे कुछ प्रोसीजर होता है कुछ नॉम्स होते हैं इसको फॉलो किया जाता है एक ट्रांसपेरेंसी होती है है ना इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है इट हैज़ ग्रेट सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है क्यों होती है क्योंकि यहाँ पे रेगुलर और फ्री इलेक्शंस है ना एक इंटरवल के बाद पाँच पाँच साल के बाद चुनाव कराते हैं हर कोई फ्री होता है किसी को भी वोट देने के लिए तो ये भी एक ग्रेट सक्सेस है डेमोक्रेसी का और लास्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव फीचर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो फीचर है जो सबसे बड़ा पॉजिटिव फीचर है वो ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं वो खुद डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं तो ये इसका सबसे बड़ा पावर है, है ना तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज एन अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एंड अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटीमेट गवर्नमेंट डिस्कस बाई गिविंग फाइव रीजनस ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है आंसर भी इसका लेंदी होगा लेकिन इसे आप अपने हिसाब से जो है इसका आंसर लिख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रूलर्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम ऑल डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकें डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर सके क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली उनके ऊपर असर डालता है और इसलिए जो है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इट इज़ अकाउंटेबल टू सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस सेकेंड पॉइंट जो है डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन मतलब डिस्कशन है ना डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी जो है वो डिस्कशन पे बेस्ड होता है यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने में डिले हो सकता है लेकिन डिले होने का कारण क्या होता है कि यहाँ पे हम एक प्रोसीजर को एक नॉर्म को हम फॉलो कर रहे हैं डिसीजन में हमेशा ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि, कि किस तरीके से कोई डिसीजन लिया जा रहा है और इस वजह से यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो हमेशा एक अच्छा डिसीज़न होता है ठीक है थर्ड पॉइंट है इट इट्सट द फॉलोइंग प्रोसी प्रैक्टिसज एंड इंस्टीट्यूशंस हमारे डेमोक्रेसी के अंदर या किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर कुछ प्रैक्टिस होते हैं कुछ काम होते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे रेगुलर फ्री इलेक्शन फेयर इलेक्शन ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज़ एंड रेजस्लेशन सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना लोगों के पास जानने का अधिकार होता है अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग ये जो चीज़ें हैं ना रेगुलर और फ्री इलेक्शन होना फेयर इलेक्शन होना पब्लिक डिबेट होना किसी भी मुद्दे के ऊपर पॉलिसीज़ के ऊपर आपने टेलीविजन्स में देखा होगा कि किस तरीके से किसी बात पे डिस्कशन होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में है ना सिटीजन्स के पास जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि आप सरकार से कोई भी जानकारी ले सकते हैं ये सब चीज़ें जो होती हैं ये किसी भी गवर्नमेंट को स्पेशली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट बनाती हैं फोर्थ पॉइंट है इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन हमेशा हमें डेमोक्रेसी में ये भी एक उम्मीद होती है कि जो गवर्नमेंट होगी वो हमारे ज़रूरतों को हमारे डिमांड्स को ध्यान में रखेगी और करप्शन नहीं होगा लेकिन इस मामले में इस पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है करप्शन होता है डेमोक्रेसी के अंदर और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के डिमांड को डेमोक्रेसी फुलफ़िल भी कर दे तो इस मामले में थोड़ा सा डेमोक्रेसी पिछड़ा हुआ है फिफ्थ पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है इट मे बी स्लो लेस एफिसियंट नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन बट इन इस पीपल्स ओन गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है इट इज़ इलेक्टेड थ्रू अ प्रोसीजर थ्रू अ लॉ है ना हमने इसे इलेक्ट किया है हमने इसे वोट दिया है इसलिए सरकार बनी है तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है भले से ये स्लो हो एफिशिएंसीज की कम हो रिस्पॉन्सिव कम हो क्लीन कम हो करप्शन भी हो रहा है लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट ये हमारी अपनी सरकार है इसे हमने चुना है और अगर हम चाहें इसे हमें पसंद ना हो तो हम इसे फिर से चुनाव में इसे हटा सकते हैं किसी और को चुनाव में जो है जिता सकते हैं कोई और गवर्नमेंट बना सकता है तो यहाँ पे लोगों की इच्छा से सरकार बनती है और लोगों के द्वारा ही जो है रूल यहाँ पे अल्टीमेटली किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर कर ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जो भी डिसीजीज्स लिए जा रहे हैं वो लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से डिसीजन कब क्यों लिए जा रहे हैं तो इसमें जो पहला पॉइंट है ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो सम प्रोसीजर्स है ना आप देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेने से पहले कुछ प्रोसीजर फॉलो कर करती है जैसे एग्जांपल के लिए लॉ बनाना है तो एक वो लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाता है फिर वो प्रेसिडेंट के पास साइन होने जाता है तो प्रोसीजर है वो फॉलो होता है हमेशा सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी एनश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन सम नॉर्म्स है ना कुछ नॉर्म्स के ऊपर कुछ कुछ सिद्धांतों के ऊपर वो नियम बनेगा ऐसा नहीं है कुछ भी नियम बन जाएगा जो मन करेगा वो वो बन नियम बना लेंगे ऐसा नहीं होता है है ना कंस्टिट्यूशन के दायरे में रह करके नियम बनाना है आपको थर्ड पॉइंट है पीपल कैन एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लोग जो है वो खुद देख सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग लिया जा रहा है जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है वो सही से लिया जा रहा है कि डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी अकेले सब डिसीजन ले ले रहा है फोर्थ पॉइंट है इम्फेसिस गिवन टू पब्लिक ओपिनियन डेमोक्रेसी में हमेशा जो डिसीजंस लिए जाते हैं जो आ, काम किए जाते हैं उसमें पब्लिक ओपिनियन का बहुत बड़ा रोल होता है कि पब्लिक क्या चाहती है उस हिसाब से डिसीजंस लिए जा सकते हैं लिए जाते हैं तो यहाँ पे एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी हमको दिखाई देती है फिफ्थ क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलीबरेशन एंड निगोशिएसन एग्जामिन द स्टेटमेंट है ना ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डेलीबरेशन नहीं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया ठीक है डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन अच्छा ये पॉइंट एक आया था कि डेलिब्रेशन एंड निगोसिएशन वाला तो उसमें क्या था कि डेलिब्रेशन निगोसिएशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं ठीक है तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए डेमोक्रेसी गिव्स इंपॉर्टेंस टू डेलिबेशन एंड पब्लिक ओपिनियन हम हमेशा हम डिस्कशन के ऊपर और पब्लिक ओपिनियन के ऊपर एक डेमोक्रेसी के अंदर इंपॉर्टेंस देते हैं उसके ऊपर जोर देते हैं सेकेंड पॉइंट है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट इन डिसीजन डेमोक्रेसी में हमेशा डिसीजन लेने से पहले पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और इस वजह से टाइम जो है कई बार ज़्यादा लगता है इट डिसीजन मे बी बॉथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव डिसीजन चूंकि डिले लगता है पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं जो डिसीजनस लिए जाते हैं वो लोगों को एक्सेप्टेबल भी होती हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन भी होता है है ना गलती की गुंजाइश कम होती है क्यों क्योंकि जो है वो प्रॉपर डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया गया है फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी एंडश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर ये हमने डिस्कस कर लिया है पॉइंट पहले भी ट्रांसपेरेंसी एज परसन हैव द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है क्यों है क्योंकि लोगों के पास राइट right है ये जानने का कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे है ना पारदर्शिता है सिक्सथ पॉइंट है इट फॉलोज़ प्रोसीजर्स एंड इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल हमेशा डेमोक्रेसी में एक प्रोसीजर फॉलो होता है और जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं उनकी जवाबदेही होती है सेवन पॉइंट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मेकेजम फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक मेकेज़म डेवलप करती है सिटीजन्स के लिए ताकि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा अकाउंटेबल रहे लोगों के लिए लास्ट पॉइंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलोज मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग वेन एवर दे थिंक फिट अगर सरकार को ये लगता है कि डिसीजन मेकिंग में लोगों की मदद लेना लोगों की सलाह लेना ज़रूरी है तो वो ऐसा भी किया जाता है एक डेमोक्रेसी के अंदर तो दिस इज़ वाई डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड निगोशिएसन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है एविडेंस शोज़ दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फील फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री वैलिडेट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट पॉइंट एग्जाम्पल्स आपको ये बताना है कि हम ये देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि डेमोक्रेसी लोगों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं इस स्टेटमेंट को आपको एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करना है तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसका हम कंपेरिजन करके देखेंगे है ना तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए इफ़ वी कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज़ एंड ऑल डिक्टेटरशिप्स फॉर द 50 इयर्स बिटवीन 1950 एंड टू थाउजेंड्स डिक्टेटरशिप है स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री दोनों को कंपेयर करेंगे पिछले 1950 से 2000 लगभग 50 साल का डेटा लेकर के तो ये समझ में आता है कि डिक्टेटरशिप जहाँ पे रही है जहाँ पे तानाशाही रही है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहा है डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए क्यों वहाँ पे ज़्यादा रहा है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जैसे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है ग्लोबल सिचुएशन कैसी है बाकी कंट्री से कॉपरेशन कितना मिल रहा है उस कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं है, है ना तो जनरली ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री ऐसी हो जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री हो लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन साइज़ कम हो वहाँ कम लोग रहते हो तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कम लोग अगर रहते हैं तो भले से वो डिक्टेटरशिप ही हो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा किया जा सकता है इसके अलावा बाकी कंट्री से कोऑपरेसन कैसा मिल रहा है उस कंट्री की खुद की इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या है हो सकता है वो कंट्री जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही ज़्यादा जोर दे रहा हो सोशल डेवलपमेंट उसका फोकस ना हो है ना तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो जो है ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसीज थर्ड पॉइंट है हाउ एवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे लेस डेवलप्ड मे लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज लिग्लिजिबल ठीक है सॉरी हाउ एवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर भी जो है हम ये देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं जो कम डेवलप्ड कंट्री हैं जो डेवलप डेवलप्ड कंट्री हैं जो डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप है इन सब कंट्रीज में जो है अगर हम डेवल, जो डेवलपमेंट सॉरी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट है जो ग्रोथ रेट है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है ये ज़रूर है कि स्लाइटली जो है डिक्टेटरशिप में ज़्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है नेगलेजिबल मतलब वो अंतर है वो है ना फोर्थ पॉइंट है ओवरऑल इट कैन बी नॉट बी सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैक बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट हम ये कह नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इस बात की गारंटी है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा लेकिन डिक्टेटरशिप से बहुत ख़राब डेवलपमेंट होगा ऐसा नहीं है है ना डिक्टेटरशिप हो सकता है कि थोड़ा बहुत पॉइंट जो है वो आगे निकल जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में लेकिन डेमोक्रेसी उससे बहुत पीछे नहीं होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में ये डिफरेंस बहुत ही कम है तो फिर हमें डेमोक्रेसी को ही चुनना चाहिए डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के कमपे कंपैरिजन में क्यों क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को हटा दिया जाए बाकी सभी मामलों में डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप से बाकी हर मामले में आपको बेहतर दिखाई देगा इस्पेशली जो है जब हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं लोगों के फ्रीडम की बात करते हैं तो वहाँ पर डेमोक्रेसी बेहतर है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वेलिटीज़ अगर हम इकोनॉमिक इनक्वेलिटीज़ जो आर्थिक असमानता है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं कुछ लोग बहुत गरीब हैं अगर इसको हम देखें तो डेमोक्रेसी जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं है इस इक्वलिटी को कम करने के मामले में इसको आपको इस जस्टिफाई करना है इसको प्रूफ करना है तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनक्वेल्टीज़ इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि ये इनक्वल्टी जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है बहुत सारे लोग हैं बहुत कम लोग ऐसे हैं कंट्री के अंदर जो बहुत ज़्यादा रिच हैं अल्ट्रा रिच हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास जो है जो वेल्थ और इनकम है जो बहुत ज़्यादा उसका बड़ा हिस्सा जो है एक बहुत ही कम लोगों के पास है और देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीजिंग और पूरे कंट्री के अंदर जो इनकम है जो पूरा वेल्थ है उस कंट्री के अंदर उसके अंदर जो उनका शेयर है उनका जो कंट्रोल है वो बढ़ता चला जा रहा है यानी कि जो अमीर व्यक्ति है किसी कंट्री के अंदर वो समय के साथ और अमीर होता चला जा रहा है रिच पर्सन और रिच होता चला जा रहा है फोर्थ पॉइंट है द इनकम ऑफ पुअर हैव हैविन डिक्लाइन समटाइम्स दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हम धीरे धीरे ये भी देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते चले जा रहे हैं इतने गरीब कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं लाइफ की घर रोटी कपड़ा ये सब जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं और जो अमीर व्यक्ति है जो रिच है अल्ट्रा रिच है वो और रिच होता चला जा रहा है और लास्ट पॉइंट है दो डेमोक्रेसी इज़ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पुअर फ्रॉम पॉवर्टी एंड हंगर फिर भी हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पुअर लोगों की जो संख्या है जो गरीबों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये निगेटिव चीज़ है इसमें पॉजिटिव आउटकम्स भी हमको दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसका रिडक्शन ऑफ इन एंड पॉवर्टी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन पोलिटिकल इनलिटी सपोर्ट स्टेटमेंट विद एक्जाम्पल तो पॉलिटिकल इक्वलिटी का क्या मतलब होता है पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि चुनाव लड़ने में हर कोई इक्वल है वोट देने के लिए इक्वलिटी मिली हुई है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पॉइंट्स देखते हैं पहला पॉइंट है डेमोक्रेसी है फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है ना और जनरली जो है हर डेमोक्रेसी के अंदर एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेकेंड पॉइंट डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस किए जाते हैं थर्ड पॉइंट डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो गारंटीड राइट right होते हैं कोई उन्हें छीन नहीं सकता है फिफ्थ पॉइंट इट प्रोमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के बीच में इक्वलिटी होती है और इक्वलिटी है तो पोलिटिकल इक्वलिटी भी लोगों के अंदर होती है एंड दिस equality इन्हेंसेज द डिग्निटी ऑफ द individual. चूँकि हर कोई इक्वल होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर इसलिए लोगों की जो डिग्निटी होती है जो उनका रिस्पेक्ट होता है सेल्फ रिस्पेक्ट वो बढ़ता है सेवेंथ पॉइंट है इट improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है ना क्योंकि इक्वेलिटी है डिग्निटी है और डेमोक्रेसी जो है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग लेता है करता है Eighth पॉइंट है डेमोक्रेसी गारंटीज़ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू ऑल सिटीजनस ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोलिटिकल इक्वलिटी का मतलब वो ये होता है कि हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो है ना तो कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन है ना रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है तो आप जो चाहे वो भी चुनाव लड़ सकता है जो व्यक्ति चाहे वो चुनाव लड़ सकता है एनी वन कैन कंटेस्ट इलेक्शंस एंड लास्ट पॉइंट डेमोक्रेसी गारंटीज़ राइट टू वोट टू ऑल सिटीजनस हर किसी को डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन कास्ट क्रीड है ना लैंग्वेज uh, हर किसी को राइट टू वोट जो है हमारे कंट्री के अंदर दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डेमोक्रेसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स आपको याद होगा एक बेल्जियम का एग्जांपल हम लोगों ने जो है फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया होगा तो सोशल डाइवर्सिटी क्या होता है किसी कंट्री के अंदर जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है कास्ट बेसिस डाइवर्सिटी है कलर बेसिस डाइवर्सिटी है इसी को हम बोलते हैं सोशल डाइवर्सिटी तो डेमोक्रेसी जो है एकोमोडेट करता है लोगों को एडजस्ट करता है सोशल डाइवर्सिटी को एडजस्ट करता है तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी ट्राइज टू तो हेल्प इट्स सिटीजन्स टू तो लीड अ पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ बाई एकोमोडेटिंग वेरियस सोशल डिविजन्स सो so, डेमोक्रेसी जो होता है वो सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग सोशल डिविजन्स हैं जो अलग अलग ग्रुप हैं उनको एक साथ रहने के लिए पीसफुली और हारमोनी के साथ हो रह सकें इसके लिए जो है वो एकोमोडेशन बनाता है एकोमोडेशन करता है है ना एक एडजस्टमेंट करता है सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्राई टू रिजॉल्व डिफरेंसेस डेमोक्रेसी में एक जो गवर्नमेंट होती है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हमेशा इस बात को कोशिश करती है कि जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग ग्रुप के बीच में उसको हम सॉल्व कर सकें ये डिफरेंसेस बढ़ के कहीं कॉन्फ्लिक्ट बन जाएँ लोगों के बीच में जो है किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो किसी प्रकार का झगड़ा ना हो विवाद ना हो इस बात के चांसेस जो है ना हो ये जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है थर्ड पॉइंट है इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू नीगोशियसन एंड डिस्कशंस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो नीगोशिएसन करके बातचीत करके डिस्कशन करके कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिस्प्यूट विवाद झगड़ा फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर फॉर मेजॉरिटी माइनॉरिटी एकोमोडेशन डेमोक्रेसी हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती है कि एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप किया जाए जिससे मेजोरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी दोनों एक साथ एकोमोडेट होकर एक साथ रह सकें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो फिफ्थ पॉइंट है इट लर्नस टू रिस्पेक्ट डिफरेंस एंड इवॉल्व मैकेानिज़म हमेशा जो है डेमोक्रेसी इस बात के लिए तैयार होती है कि हमें डिफरेंसेस को जो अलग अलग जो डाइवर्सिटी है अलग अलग रिलीजियस डाइवर्सिटी या किसी प्रकार की जो डाइवर्सिटी है उसको हमें रिस्पेक्ट करना है दिस इज़ नॉट अ बर्डन ऑन द कंट्री है ना और लास्ट पॉइंट है एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो सोशल डिफरेंसेस को हैंडल कर सके तो दिस इज़ ऑल अबाउट एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसीज नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ एमंग सिटीजन्स वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसी का एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है यहाँ पे तो देखिए फर्स्ट पॉइंट डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स वेरियस सोशल डिविजन्स डेमोक्रेसी रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन ए बिकमिंग एक्सप्लोजिव एंड वायलेंट डेमोक्रेसी इस बात के जो है पॉसिबिलिटी को कम करता है कि जो टेंशन है दो कम्युनिटी के बीच में वो एक्सप्लोजिव हो जाए वो वायलेंट हो जाए लोग आपस में लड़ने मरने मरने लगे इस बात की पॉसिबिलिटी को कम करता है थर्ड पॉइंट इट हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफ्रेंसिस एंड कॉन्फ्लिक्स एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी आई होप कि ये पॉइंट अब क्लियर हो रहा होगा फोर्थ पॉइंट डेमोक्रेसी डेवलप्स प्रोसीजर टू कंडक्ट हेल्थ हेल्दी कॉम्पटिशन एमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप करता है जिससे जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग समूह हैं उनमें एक हेल्दी कॉम्पटिशन हो हेल्दी कॉम्पटिशन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे जब वो कम्पटिशन करें तो दोनों का डेवलपमेंट हो ऐसा ऐसा कॉम्पटिशन नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को मारपीट करने लगे एक दूसरे के साथ फिफ्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट्स डिफ्रेंसेज एंड प्रोवाइड मैकेजम टू रिजॉल्व देम सिक्स पॉइंट डेमोक्रेसी ऑलवेज एकोमोडेट्स माइनॉरिटी व्यू ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा जो माइनॉरिटी का व्यू होता है जो कम संख्या में लोग हैं उनके व्यू को रिस्पेक्ट किया जाता है उनके व्यू को एकोमोडेट किया जाता है उनको एडजस्ट किया जाता है इलेवेंथ क्वेश्चन है डेमोक्रेसीज इज एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन सेम क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है बस आपको आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंस करके लिखना है देखिए डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डिविजन्स को एकोमोडेट करता है कैसे दिस allows मतलब डेमोक्रेसी allows वेरियस disadvantages एंड डिसएडवानटेज एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप्स टू एक्सप्रेस देयर grievances एक डेमोक्रेसी के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं जैसे इंडिया के अंदर जो है जो माइनॉरिटीज़ हैं जो ट्राइबल लोग हैं ये मार्जिनलाइज कहलाते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप कहलाते हैं तो इनको अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्सप्रेस करने का चांसेस दिया जाता है हमारे कंट्री के अंदर सेकेंड पॉइंट दे गेट द अटेंसन ऑफ द गवर्नमेंट है ना इन्हें गवर्नमेंट स्पेशल अटेंशन देती है थर्ड पॉइंट दे कैन वॉइस दे हर डिमांड इन अ पीसफुल एंड कंस्टिट्यूशनल मैनर थ्रू इलेक्शन ये जो माइनॉरिटीज़ हैं जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं ये अपने डिमांड्स को एक पीसफुल मैनर में कंस्टिट्यूशनल मैनर में गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं फोर्थ पॉइंट इट हेल्प्स टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी हमेशा डेमोक्रेसी जो होती है वो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने का एकोमोडेट वर्ड जो है इसको आप हमेशा बेल्जियम की जो स्टोरी अपने फर्स्ट चेप्टर में पढ़ा है उससे रिलेट करके रखिएगा ट्वेल्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स क्लेरीफाई क्या डेमोक्रेसी जो है एक पीसफुल एंड और हारमोनियस लाइफ जो है एक मिला जुला जो है एक अच्छा माहौल जो है लोगों के बीच में क्रिएट करता है इसको आपको समझाना है तो देखिए इसका आंसर क्या होगा अ नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम ऑफ एंड रन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस एक जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ जनरली क्या क्या जाता है कि सोशल डिफरेंसेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है और अगर सोशल डिफरेंसेस हैं तो उसमें से किसी एक कम्युनिटी को सप्रेस कर दिया जाता है कुशल दिया जाता है द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेज डिविजन्स एंड इज दस अ डिफिनट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकिन डेमोक्रेटिक रेजिम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है यहाँ पे हमेशा जो सोशल डिवीज़न है सोशल डिफरेंसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको हम पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर भी जो है कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि सोशल डिफरेंसेस अच्छे से हैंडल नहीं किए गए जैसे एग्जांपल आपने श्रीलंका का पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि डेमोक्रेसी वहाँ पे थी लेकिन वहाँ पे जो सोशल डाइवर्सिटी थी जो डाइवर्सिटी थी कंट्री के अंदर उसको पीसफुली जो है उसको एडजस्ट नहीं किया गया उसमें क्या गलती हुई पहला द डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाई मेजोरिटी ओपिनियन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि जो कंट्री के अंदर मेजोरिटी कम्युनिटी है उसी की बात मानी जाएगी है ना मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू है ना मेजोरिटी के लिए ज़रूरी है कि वो माइनॉरिटी के साथ मिलकर के काम कर सके सेकेंड पॉइंट जो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था दैट द रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा जो गवर्नमेंट बनती है वो मेजारटी की बनती है मतलब मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे ये यह है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं वो गवर्नमेंट बनाती है लेकिन मेजोटी का मतलब मेजोरटी कम्युनिटी से नहीं है ऐसा नहीं है कि जो जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है जैसे श्रीलंका में जो है सिंघला लोग मेजारटी में थे या हमारे कंट्री के अंदर हिंदू कम्युनिटी मेजारटी में है तो मेजोरटी कम्युनिटी का जो है वो अपने मन से रूल नहीं कर सकता है है ना मेजारटी के द्वारा रूल होता है मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा रूल नहीं किया जाता है तो ये चीज़ है नेक्स्ट टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और डेमोक्रेसी प्रोमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल तो डेमोक्रेसी कैसे डिग्निटी और फ्रीडम को जो है इंश्योर करता है किसी इंडिविजुअल की इसको हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट इसमें है डेमोक्रेसी स्टैंड्स मस्ट सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो होता है ये जिस तरीके से लोगों के डिग्निटी और फ्रीडम को डिग्निटी का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट सम्मान हमारा जो है जो हमारा अंदर सम्मान है कि हम खुद को इम्पोर्टेंट फील करते हैं और जो फ्रीडम है इसको जितना प्रोमोट डेमोक्रेसी करता है उतना कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं करता है कैसे इट प्रमोट्स इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स एंड हैंस इंक्रीजेज रिस्पेक्ट फॉर इच अदर एमंग सिटीजन्स जो डेमोक्रेसी होती है इसमें लोगों के बीच में इक्वलिटी होता है और जब इक्वलिटी होगा तो लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम हैव बिन रिकोगनाइज एज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी किसी भी डेमोक्रेसी का जो बेसिस होता है वो ये होता है कि हर कोई एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता है और हर कोई दूसरे के फ्रीडम का रिस्पेक्ट करता है फ्रीडम एंड इक्वलिटी टू वीमेन महिलाओं को भी फ्रीडम दिया गया है इक्वलिटी दिया गया है हमारे कंट्री के अंदर या किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेंथेन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसएडवानटेज कम्युनिटी है जो डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी है यानी कि जिनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है अभी तक उनको भी इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी हम अपने कंट्री के अंदर देते हैं सिक्स पॉइंट है मेजोरिटी माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन की एक डेमोक्रेसी के अंदर डिग्निटी इसलिए बढ़ता है लोगों का क्योंकि मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में हम एक तरीके से क्या करते हैं एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन क्वेश्चन रिस्पेक्ट एंड एकवलिटी सॉरी रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन आर नेसेसरी इन्ग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए महिलाओं को रिस्पेक्ट मिले और इक्वल ट्रीटमेंट मिले ये जरूरी चीज़ है इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या होगा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एक्सेस टू एन इनहेरिटेड और सेल्फ जनरेटेड इनकम इज कंसीडर्ड टू बी द मेजर मीन्स ऑफ एमपावरिंग वूमेन किसी भी कंट्री के अंदर है ना चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या डेमोक्रेटिक ना हो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है किसी भी महिला का होना इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना कि वो खुद अपना इनकम जनरेट करती है वो काम करने जाती है ये वीमेन एम्पावरमेंट के लिए ये पहला जरूरी चीज़ है सेकेंड पॉइंट इक्वल पोलिटिकल एंड सिविल राइट एज मैन हर पुरुष की तरह हर महिला के पास जो है इक्वल पोलिटिकल और सिविल राइट right होना चाहिए थर्ड पॉइंट वेज़ ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम हर महिला के पास अपना खुद का डिसीजन लेने का पावर ऑटोनॉमी होना चाहिए फ्रीडम होना चाहिए फोर्थ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टू रिड्यूस इनवेलिटीज़ इन रिसोर्स एंड पावर जो जस्टिस है वो महिलाओं को भी मिले इनक्वेलिटीज़ कम हो और जो रिसोर्स हैं और जो पावर है उसके ऊपर महिलाओं का भी कंट्रोल होना चाहिए लव यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिंसरिटी ऑनेस्टी इंटिग्रेटी ऑफ कैरेक्टर फॉम एटीट ऑफ रेंडरिंग हेल्प ये सभी चीज़ें जो है किसी भी महिला के इक्वल ट्रीटमेंट के लिए जरूरी हैं सिक्सथ पॉइंट है रिमूविंग सोशल एविल्स इंक्लूडिंग वायलेंस टॉर्चर ह्यूमिलिएशन जो भी सामाजिक बुराइयां हैं वायलेंस टॉर्चर ह्यूमिलिएशन वगैरह ये सब खत्म होना चाहिए जब ये सब चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर वीमेन के लिए रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट अपने आप मिलने लगेगा फिफ्टींथ क्वेश्चन है हाउ कैन वी असेस डेमोक्रेसी इन द इहेंसमेंट फॉर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल डिग्निटी जो है इंडिविजुअल को कैसे इनहेंस करता है डेमोक्रेसी क्यों क्योंकि जो है यहाँ पे पहला पॉइंट इक्वल स्टेटस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सेकेंड पॉइंट रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम फॉर द आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी थर्ड पॉइंट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल फोर्थ पॉइंट डेमोक्रेटिक राइट्स टू ऑल फिफ्थ पॉइंट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड सिक्स पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं पहले भी है ना तो ये सभी चीज़ें मिल करके एक व्यक्ति के इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल के सॉरी इंडिविजुअल के डिग्निटी को जो है इन्हेंस करती हैं लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कम्प्लेंस आर द टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी अगर किसी डेमोक्रेसी के अंदर लोग कंप्लेंट करते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है सरकार के अंदर ये कमियाँ हैं वो कमियाँ हैं तो दिस इज़ द टेस्टिमोनी दिस इज दिस इज़ दिस शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी अगर किसी डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास कंप्लेंट नहीं है इसका मतलब कि वो डेमोक्रेसी क्या है वो सक्सेस डेमोक्रेसी नहीं है या इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर डर है कि वो डेमोक्रेसी की जो है या अपने गवर्नमेंट की जो है वो बुराई नहीं कर पा रहे हैं फ़र्स्ट पॉइंट इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस अगर किसी डेमोक्रेसी के अंदर लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है दे नोज़ वाट इज़ गुड फॉर देम वाट इज़ बैड फॉर देम सेकेंड पॉइंट एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर यानी कि लोगों के अंदर ये एबिलिटी है कि वो जो पावर होल्ड करने वाले लोग हैं जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके ऊपर वो क्रिटिकली उनको एग्ज़ामिन कर पा रहे हैं कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं बिना एक्सपेक्टेशंस का डेमोक्रेसी में कौन होता है है ना डेमोक्रेसी में हम गवर्नमेंट को चुनते हैं क्यों चुनते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं है ना थर्ड पॉइंट इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम स्टेटस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डेट ऑफ अ सिटीजन अगर किसी कंट्री के अंदर लोग क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं चुपचाप जो है जो गवर्नमेंट जो करे उसी को सही मान लेते हैं इसका मतलब ये है कि पीपल आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट जस्ट अ सब्जेक्ट नथिंग एल्स है ना सिटीजन तब बनते हैं जब वो अवेयर होते हैं जब वो क्रिटिसाइज़ करना सीखते हैं कंप्लेन करना सीखते हैं एंड फोर्थ पॉइंट वोटर्स नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट वोटर्स को पता होता है कि उसकी वोट की वैल्यू क्या है वोट की वैल्यू कब उसको समझ में आएगी जब वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा गवर्नमेंट के काम को क्रिटिकली एग्जामिन करेगा कि गवर्नमेंट सही काम कर रही है कि गलत कर रही है क्यों एग्ज़ामिन करेगा कि अगर वो गलत कर रही है तो अगली बार उसे हम वोट नहीं देंगे दिस इज़ द पावर ऑफ वोट है ना तो ये सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर से उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे अगर कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या जो है वीडियो को फिर से देखिएगा थैंक यू सो मच